दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, राधा को बहुत मेहनतों के बाद कुछ रोटियां खाने को मिली, जिसे खाकर उसके बच्चे का पेट भरा और उसने बची हुई रोटियां छत पर रख दी। चलो दोस्तों, अब राधा की आगे की कहानी देखते हैं। चलिए राजकुमारी जी, हम तालाब पर पहुंच गए। आप नहा सकती हैं इस तालाब में। हाँ मीरा, यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जाके जल्दी से तालाब में नहाऊंगी। आओ मीरा, आप भी मेरे साथ नहाओगी आज? नहीं राजकुमारी, मैं आपके साथ कैसे नहा सकती हूँ? मैं तो आपकी दासी हूँ। मुझे बस आपका ख्याल रखने के लिए भेजा गया है। आप जाके नहा लीजिए जल्दी। नहीं मीरा, आप भी मेरे साथ नहाओगी, ये मेरा आदेश है। और यहाँ पर कोई भी नहीं है हमको देखने के लिए। चलो मीरा, हम चलते हैं नहाने के लिए। पर राजकुमारी जी, मैं आपके साथ अंदर चली गई तो आपके गहनों का ख्याल कौन रखेगा? यदि अगर चोर आ गया, आपके गहने लेकर चला गया, तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं मीरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। लेकिन राजकुमारी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मीरा। चलो अब चलते हैं नहाने के लिए, बातें मत करो। चलो मैं अपना कीमती हार यहीं रख देती हूँ, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। यह कहकर राजकुमारी तालाब की ओर चल देती हैं। चलो अब मैं पानी के अंदर चली जाती हूँ। पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। कितना अच्छा लग रहा है पानी में। काश मैं रोज आ पाती यहाँ, लेकिन पिताजी मुझे यहाँ पर आने ही नहीं देते हैं। चलो मीरा, तुम भी आ जाओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कितनी साफ सफाई है यहाँ, हरे भरे पौधे भी हैं। कितना सुंदर तालाब है, पानी भी मीठा है, शीतल है। राजकुमारी जी, क्या मैं सच में आ जाऊँ? हाँ मीरा, हाँ आ जाओ। वाह, सच में यहाँ का पानी तो बहुत ही अच्छा है। राजकुमारी जी, यहाँ का पानी तो बहुत ही अच्छा है, ठंडा भी है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। राजकुमारी और दासी बहुत ही मज़े कर रही हैं। तभी तालाब में एक तोता आ जाता है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, वो देखिए, एक पक्षी आपका हार लेकर गया। ये देखिए, ये देखिए, वो आपका हार ले जा रहा है। ये क्या बोल रही हो मीरा तुम? मेरा हार कहाँ पर है? मेरा हार कहाँ गया? सिपाही, सिपाही, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सिपाही, एक तोता मेरा हार लेकर चला गया, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। सिपाही, जल्दी आओ। राजकुमारी देखती है कि उनका हार उनकी जगह पर नहीं था। सिपाही, तुम कहाँ पर थे? जल्दी आओ, मेरा हार चोरी हो गया। अरे राजकुमारी जी, क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सिपाही, एक तोता मेरा हार लेकर चला गया, तुम जल्दी से कुछ करो और मेरा हार लाकर वापस दो मुझे। हाँ राजकुमारी जी, मैं देखता हूँ, मैं तोते का पीछा करता हूँ, आप बस यहीं रुकिए। अरे नहीं, वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मैं क्या करूँ, अब मुझे वहाँ पर नहीं रखना चाहिए था हार। तोता आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे। ओ दुष्ट तोते, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम रानी का हार नहीं ले जा सकते, तुम ये हार वापस करो। अरे तोता कहाँ चला गया, मेरी आंखों से तो ओझल ही हो गया। सुनो, तुमने यहाँ का कोई तोता देखा? उसके पास एक मोतियों का हार था, क्या तुमने उसे यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं सिपाही जी, मैंने तो यहाँ किसी तोते को नहीं देखा। मैं कब से यहीं पर खड़ी हूँ, लेकिन मैंने किसी भी तोते को नहीं देखा यहाँ से जाते हुए। अब मैं क्या करूँगा, पता नहीं ये तोता कहाँ चला गया, अब मैं उसे कहाँ कहाँ ढूँढूँ। चलो अब आगे वाले गांव से पूछता हूँ। लगता है सिपाही जी राजकुमारी के शाही हार की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ राजकुमारी जी के साथ। तभी राधा को दिखाया जाता है। चलो मेरा काम तो खत्म हो गया, जाके मैं पिंकी को देख लेती हूँ। अरे वो रोटी तो कब से वहीं पड़ी होगी।
चलो रोटी उतार लेती हूँ। अरे इतना बड़ा तोता कहाँ से आ रहा है? अरे इसके हाथ में क्या है? अरे तोता तो रोटी लेके उड़ गया। अरे इसने चमकीला क्या छोड़ा है छत पर? ये तो कुछ चमकीला चमकीला दिख रहा है। चलो लाठी लेकर आती हूँ। चलो लाठी से उतार कर देखती हूँ यह क्या है। ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा। ये तो कुछ चमकीला हार जैसा है, वो भी बहुत कीमती। वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा जिसका ये हार होगा। मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ घर में। जिसका होगा वो ज़रूर लेने आएगा। मैं इसको अच्छे से संभाल कर रखूँगी। इतना समय हो गया लेकिन अभी इस हार को लेने कोई भी नहीं आया। चलो मैं जाके पिंकी को नहला देती हूँ। रहकर राधा अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। चलो पानी ले जाकर मैं वहां रख देती हूँ। पानी तो मैंने रख दिया यहाँ। चलो मैं पिंकी को ले आती हूँ और नहला देती हूँ। चलो बेटी अब तुमको नहाने जाना है, मैं तुमको नहला देती हूँ। चलो चलो जल्दी से मेरे साथ, अच्छे से नहला दूंगी। ठंडी ठंडी पानी में तुमको मज़ा आ रहा है ना पिंकी? अच्छे से नहा लो, अच्छे से नहा लो मेरी बेटी। मेरी बेटी कितने अच्छे से नहा रही है, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितनी समझदार हो गई है। चलो अब जल्दी से नहा लो बेटी, मैंने तुम्हें कपड़े भी पहना दिए बाबू, अब मैं तुम्हें सुलाऊंगी। मैंने तुम्हें लेटा दिया है पिंकी, अब सो जाओ जल्दी से। मेरी प्यारी बेटी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और राधा की कहानी आगे जानने के लिए चैनल पे बने रहिए।